क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 माइक्रो फेरेड की एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो है 4 mm और इसे चार्ज किया गया है बाय 200 वोल्ट डीसी सोर्स। और उसके बाद हमने क्या करा कि सोर्स इज नाउ डिस्कनेक्टेड, ठीक ना, सोर्स को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और इनके प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसे डबल किया, ठीक। और उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस थी 4 mm और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 5, उसे हमने इंट्रोड्यूस किया दोनों प्लेट के बीच में, ठीक। तो क्या चेंज आएगा इसके कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी, ये हमें बताना है। मतलब इसके मतलब कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक ना। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं और हमें जो जो चीजें गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। गिवन 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 C1 इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड है ना, और प्लेट के बीच की सेपरेशन क्या है D1 4 mm में दे रखा है 10^-3 meters, ठीक ना। और सोर्स की वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, ये तो पहली केस होगी, सेकंड केस अब हमने क्या करा, प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है उसे हमने डबल कर दिया, तो 8 mm हो गई 10^-3 meters, ठीक ना, मीटर में रख रहा हूं। और फिर इसकी और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है जिसकी थिकनेस कितनी है 4 mm, ठीक ना, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितनी है 5, इसे हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो उसकी सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C2, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इन सब की बात करते हैं। तो अब देखो, अब पहले वाले केस से जो हमें दे रखा है ये एयर की कहानी है पूरी, ठीक ना, इससे हम एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू निकालो, तो C1 कितनी 100 × 10^-6 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है 4 × 10^-3, इसे अगर मैं इधर भेजूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 × 10^-9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। अब देखो, अब नई कैपेसिटेंस हमें जैसे निकालना है कि अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, तो वो C2 क्या होगी, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यही करते हैं हम कि इस प्लेट की सेपरेशन में से थिकनेस ऑफ स्लैब को माइनस करो और थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड कर दो, ठीक ना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक। तो C2 इक्वल टू 400 × 10^-9 डिवाइडेड बाय डी, कितना हो गया डी, सॉरी अब ये D2 हो जाएगा, है ना, D2, तो D2 8 × 10^-3, 8 × 10^-3, तो इसे बाहर रखते हैं, -4 + 4/5, ठीक ना, सब में 10^-3 आएगी, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने इसे बाहर ही रखा, इससे हमने इसे कट किया, तो ये 10^-6 बचा, ठीक। तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 × 10^-6 अपॉन, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 − 4 हो गया 4, और 4 + 0.8 मतलब 4.8, ठीक, 4.8। जब इसे हम डिवाइड लगाएंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा C2 इक्वल टू 250/3 × 10^-6, बोले तो 250/3 माइक्रोफेरेड, 250/3 माइक्रोफेरेड, ये इसकी न्यू कैपेसिटेंस होगी, ठीक, 250/3 माइक्रोफेरेड इसकी न्यू कैपेसिटेंस आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक ना, तो सबसे पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1, वो क्या हो जाएगी V1 by D1, तो E1 इक्वल टू V1 कितनी है 200/D1 कितनी 4 × 10^-3, इससे ये कैंसिल कितना आ गया 50, और 10^-3 ऊपर जाएगी तो वो प्लस का 3, तो मतलब E1 कितनी आ गई 50 × 10^3 वोल्ट पर मीटर, है ना।
ये हो गया। अब E2 की अगर हम बात करें तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन D2, ठीक है ना, V2 अपॉन D2। V2 इसलिए क्योंकि सोर्स अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ठीक ना, सोर्स डिस्कनेक्टेड है और उसके बाद अगर आप कुछ चेंज करते हो तो वोल्टेज में चेंज आ जाएगा, ठीक ना। हमने क्या करा, सोर्स को तो डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर सेपरेशन हमने बढ़ा दिया, ऊपर से डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इंसर्ट कर दिया, तो फिर इससे क्या होगा कि इसकी वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज होके क्या आएगी, तो सीधी सी बात है, सोर्स डिस्कनेक्ट है तो चार्ज तो कंजर्व हो जाएगी ना, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 लगा दो। तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 V1 इक्वल टू C2 V2। अरे चार्ज का यही होता है ना, Q1 इक्वल टू Q2, और चार्ज तो कंजर्व क्योंकि सोर्स डिस्कनेक्ट हो गई। अगर सोर्स कनेक्टेड होती तो ये वोल्टेज जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता, ठीक ना। तो सोर्स यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो C1 कितनी है, C1 कितनी है 100 माइक्रोफेरेड, 100 × 10⁻⁶ इंटू वोल्टेज कितनी है 200 × 250/3 × 10⁻⁶ × V2, ठीक ना। तो इससे ये कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये इधर चला गया, इसे भी काट देते हैं 20, ठीक ना। तो 20 × 4 = 80, 80 × 3 = 240, तो V2 कितना आ गया 240 वोल्ट, ठीक ना। तो E2 कितना 240/D2, D2 कितना हो गया, सेपरेशन डबल कर दिया था 8 × 10⁻³, इसे कैंसिल करोगे तो 30, तो मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 30 × 10³ वोल्ट/मीटर, 30 × 10³ वोल्ट/मीटर, ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक ना, एनर्जी डेंसिटी, तो इसे U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻¹২ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E1 है 50 × 10³³। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो U1 आ जाएगी आपकी 1.1 लगभग आ जाएगी, 1.1 × 10⁻²J/m³, ठीक ना, J/m³। ये हो गई हमारी U1, ये इनिशियली एनर्जी डेंसिटी है जब सोर्स कनेक्टेड थी। अब डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब ठूसने के बाद क्या होगा वो भी देख लेते हैं। U2 इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8.85 × 10⁻², इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 30 × 10³ का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगी 0.4 × 10⁻²² J/m³, क्लियर। तो ये न्यू एनर्जी डेंसिटी होगी किसकी, कैपेसिटर की, प्लेट कैपेसिटर की, है ना, ये बात क्लियर है।